हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्टिचिंग विद शाहीन। आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए चावल के पकोड़े और तेज टमाटो चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने राइस ले लिए, अब हम डालेंगे इसमें चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड कैप्सिकम, चॉप्ड कैबेज, ग्रेटेड कैरेट, वेजिटेबल आप अपने हिसाब से लीजिए, और 3 से 4 चॉप्ड ग्रीन चिलीज। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। 1 egg, 1 tablespoon ब्रेड क्रम्स, 1 tablespoon कॉर्नफ्लावर, 1 teaspoon सॉल्ट। देखिए, हमने 1 से 2 teaspoon पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लिए। अब हम डालेंगे इसमें कोथमीर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम डालेंगे इसमें पकौड़े। पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए, अब हम इसे निकाल लें। देखिए, हमने सारे पकोड़े तल के निकाल दिए। अब हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 से 4 मीडियम साइज टमाटोज लिए, हमने इसे अच्छे से चॉप कर लिए। 7 to 8 ग्रीन चिलीज लिए, 1 tablespoon चॉप्ड कोथमीर, 6 to 7 गार्लिक, 1 teaspoon जीरा, 1 teaspoon सॉल्ट, और इसे हम पेस्ट बनाए। देखिए, हमने चावल के पकौड़े स्पाइसी टमाटो चटनी के साथ आपको डिश आउट करके बता दिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी।